मणिपुर घटना को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा बरसते पानी के बीच हंगामेदार प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं की पुलिस के साथ हल्की झूमा झटकी भी हुई। आज दोपहर राजीव भवन दंतेवाड़ा से सैकड़ों महिलाओं ने नरेंद्र मोदी का पुतला अपने हाथ में लेकर जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा व महिला कांग्रेस की ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने बताया कि देश के इतिहास की ये पहली घटना है जब महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाकर उनके शरीर से छेड़खानी की गई। ये घटना शर्मसार करने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद सरकार मौन रही और घटना को करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद सरकार एक्शन में आई। इस घटना ने देश की सभी महिलाओं को शर्मसार किया है। तुलिका ने कहा कि जिस जिस राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की महिलाएं एवं कांग्रेस की कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। राजेश माहुलकर की रिपोर्ट।